हेलो एवरीवन, क्या आप 2022 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन सही आता है कि क्या ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ्स में लेकर के आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सही था कि ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर हम आपको टोटल 10 पॉइंट बताने वाले हैं। इस 10 पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% श्योर हो जाएंगे कि आप 100 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। क्या है वो 10 पॉइंट हम लोग अभी देखेंगे, और आपके लिए एक बोनस पॉइंट है वीडियो के लास्ट में, इसलिए उस बोनस पॉइंट को सुनते हुए जाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सिलेबस। सिलेबस आपको सबसे फर्स्ट समझना है। सिलेबस को कैसे समझेंगे या सिलेबस को समझने का क्या मतलब होता है? तो सिलेबस में ये देखें कि आपका कौन कौन सा चैप्टर है। जैसे यहाँ पे है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिगोनमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 6 मार्क्स, 20 मार्क्स, 6 मार्क्स, 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 11 मार्क्स। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से, अगर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता रहेगा तो आपको चैप्टर का वेटेज पता रहेगा, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। यहाँ पे कुछ मल्टीपल चैप्टर टॉपिक है और कुछ सिंगल चैप्टर टॉपिक है। नंबर सिस्टम एक वन चैप्टर वन टॉपिक है। अलजेब्रा में आपका 4 चैप्टर देखने को मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 चैप्टर देखने के मिल जाएगा। ज्योमेट्री में आपको 3 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। ट्रिगोनमेट्री में 2 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में 2 चैप्टर। तो ये आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जा करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट यही था कि सिलेबस को अच्छे से समझना है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है कि बुक। आप सिलेबस समझ लिए, आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो बुक में आपको 2 बुक मिनिमम पढ़ने चाहिए, ठीक है। एक तो फर्स्ट आ जाता है NCERT, ये हर एक स्टूडेंट को एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है, और मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो आपको NCERT को 100% श्योर होकर के इसका सारा A to Z क्वेश्चंस बनाना है, एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चंस हो, सारा क्वेश्चंस को आपको बनाना है NCERT। और एक बुक आप और ऐसो पढ़ सकते हैं। ये कौन सा बुक होगा आगे आपको पता चल जाएगा कि एक बुक और आप कौन सा पढ़ेंगे, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट क्या करना चाहता है आगे, उस बेसिस पे आपका नेक्स्ट बुक जो है वो डिफाइंड होगा। तो बुक अभी आपको आगे पता चलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में है टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं कि वो टाइम डिसाइड नहीं करते हैं। आपको पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, मींस रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़े और फिर 4 दिन छोड़ दिए, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप फिक्स टाइम रखें पर डे का। फिक्स टाइम कितना आप रख सकते हैं? आप 1 to 2 आवर के बीच में आप टाइम रख सकते हैं। अगर आप बहुत स्पीड बना लेते हैं, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप 1 आवर रखें। और अगर आप थोड़ा सा स्लो हैं तो आप 2 आवर तक अपना टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। बट ये चीज़ माइंड में रखें कि 1 आवर हम तब बोल रहे हैं जब आप रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है, पर डे। ऐसा नहीं कि आज पढ़े फिर 4 दिन नहीं पढ़े तो वहाँ पे आपका 1 आवर वर्क नहीं करेगा। ऐसा आप कर सकते हैं कि आज नहीं पढ़े मैथ तो अगले दिन आप 2 आवर पढ़ें, वो ठीक है। फिर अल्टरनेट डेज में आप सब्जेक्ट में अपना मेंटेन कर सकते हैं कि आज हम SST पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास हम मैथ्स पढ़ेंगे, वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम बट फिक्स होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? हाउ टू स्टार्ट स्टडी। स्टडी हम लोग स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे फंस के रह जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है डिफ़िकल्ट है, सेकेंड में चले जाते हैं, सेकेंड स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है वो भी डिफ़िकल्ट है, वो थर्ड में मूव कर जाते हैं। वैसा नहीं करना है, वैसे आप करोगे तो आपका केवल टाइम पास होगा। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि स्कूल में आपका जैसे जैसे चलता है, सपोज स्कूल में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ तो आप फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने में ही फोकस करें। जब तक स्कूल में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है तब तक आप अपना कंप्लीट करें। और अगर आप स्कूल से पहले कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आप दूसरा चैप्टर में मूव कर सकते हैं, ठीक है। बट मेन है कि आप स्टार्ट करें तो कैसे, तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट आप क्या करें, कोई भी चैप्टर का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आप सबसे पहले प्रिपेयर करें। कंसेप्ट जो भी होता है एक्सरसाइज से जो पहले कंसेप्ट होता है उसको आप करें। सेकेंड, जो भी सॉल्व एग्जाम्पल होता है उसको पहले खुद से ट्राई करें सॉल्व करने का। अगर नहीं होता है तो फिर आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल को देख करके बना लेने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप
पहले कंसेप्ट पढ़ें, कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पल सॉल्व करें और एग्जाम्पल सॉल्व करके मैच करें कि क्या आपका सही बन रहा है गलत बन रहा है, उसके बाद आप एक्सरसाइज में मूव कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर में यही चीज़ें करना है। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ। पॉइंट नंबर फिफ्थ में क्या है, नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, और नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं, और भूल जाते हैं तो फिर से उनको उतना ही मेहनत लगता है। तो नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। नोट्स आपको बनाना है, बट कैसे बनाना है वो चीज़ों पे अगर आपको नहीं पता है कि नोट्स कैसे बनाते हैं तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करते हैं। बाकी इस पे एक कम्प्लीट वीडियो बना हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी चैप्टर का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट और फार्मूला, उसको आप नोट्स में लिखें, ठीक है। कंसेप्ट और फार्मूला आप नोट्स में लिखें, प्लस हर एक कंसेप्ट और फार्मूले से एक एक क्वेश्चंस लिखे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना बनाएं, एक कंसेप्ट लिखे तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस बना दें, फार्मूला लिखे तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस बना दें। और कोई भी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा अलग मेथड से बनते हैं, उसको उस नोट्स के लास्ट में बना दें। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर स्पेशल क्वेश्चंस आप उसको बोल सकते हैं, तो वैसे आप नोट्स बना सकते हैं। और डिटेल्स में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जा करके उसको देख लें। अब हम लोग देखते हैं सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट में क्या है, रिवीजन। रिवीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कितना पढ़े हैं कोई मैटर नहीं करता है, अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते हैं। हर एक चीज़ों का मेथड होता है, प्रॉपर मेथड होता है। अगर आप उसको यूज करके रिवीजन करते हैं तो बहुत कम टाइम में आप रिवीजन कर पाओगे, बट अगर आप नॉर्मल वैसे रिवीजन करोगे आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो रिवीजन करना बहुत मस्ट है, बट रिवीजन कैसे कीजिएगा वो हम आपको भी थोड़ा सा हिंट करते हैं कि रिवीजन में आपको क्या करना है कि जैसे आपका चैप्टर वन कंप्लीट हो जाता है मैथ्स में, तो जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर का टू क्वेश्चंस पर डे बनाएं। टू ही क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको। टू क्वेश्चंस आज आपने सपोज चैप्टर वन आपने कंप्लीट कर रखा था तो 1.4 ले लिए, वहाँ से दो क्वेश्चंस कर लिए। किसी दिन 1.3 ले लिए, वहाँ से दो क्वेश्चंस कर लिए। अब जैसे जैसे आपका चैप्टर क्या हो रहा है, बढ़ते जाएगा, फिनिश होते जाएगा। मान लीजिए आपका सिक्स चैप्टर फिनिश हो गया तो आप पहला 1 से 5 तक जो चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है, वहाँ से एक एक क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करें तो टोटल 1-1 क्वेश्चंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 क्वेश्चंस। यहाँ से आपका क्या होगा कि आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि आप उस चैप्टर को बहुत दिन से नहीं बनाए, क्योंकि आपने एक दो क्वेश्चंस तो बना रहे हैं ना, उससे आपका जो कंसेप्ट है वो अपडेटेड रहेगा माइंड में। तो ये आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी रिवीजन पे एक नेक्स्ट वीडियो आएगा पूरा प्रॉपर वे से, वहाँ पर हम फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7 क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब आप जब पढ़ते पढ़ते आपका एनसीईआरटी बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, मिनिमम 5 ईयर का क्वेश्चंस पेपर देखने हैं। और देखना नहीं है उसको, एक्चुअल में सॉल्व करना है आपको जब एनसीईआरटी आपका फिनिश होता है तब। अब एनसीईआरटी फिनिश होने के बाद आप उसको एक बार रिवीजन कर लोगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आप देखना कि कितना क्वेश्चंस आपसे बन रहा है। अगर आप सारा क्वेश्चंस बना लेते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मार्क्स पूरे लेकर के आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 70% क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पाएंगे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं तो 70% क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जो बाकी 30% क्वेश्चंस बच जा रहा है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ना होगा। तो एक्स्ट्रा बुक क्या होगा वो हम बता देते हैं आपको। नेक्स्ट में है एक्स्ट्रा बुक। अब एक्स्ट्रा बुक में जनरली जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं वो 3 बुक होता है, आरडी शर्मा, एग्जाम्पलर और आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर है। तो अगर आप, अब डिपेंड करता है कि आप 10th के बाद क्या करना चाहते हैं। क्या आप एक साइंस का स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आगे आप साइंस लेना चाहते हैं, या फिर आप दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जैसे आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है। ऐसे मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को आना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा नॉलेज कम ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना है तो आप आरडी शर्मा में मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया उसके लिए जो साइंस लेना चाहते हैं और आरडी शर्मा में मूव कर सकते हैं। आप दूसरे स्टूडेंट भी कर सकते हैं बट उनके लिए ये थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस वाला बुक हो सकता है। बाकी आ जाता है फिर सेकेंड में आर एस अग्रवाल आरडी शर्मा से थोड़ा सा लो लेवल का बुक है, बट अगर आप चाहते हैं कि हमको 11th में करना भी तो है साइंस, बट हम अभी आर एस अग्रवाल से काम चलाना चाहते हैं, अब चला सकते हैं। आर एस अग्रवाल में भी रहेंगे तब भी उतना प्रॉब्लम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड, एग्जाम्पलर।
जो स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें और मेरा मार्क्स जो है 100 में 100 भी आए, तो आप एग्जाम्पलर में स्विच कर सकते हैं। मीन्स हम बोलना चाह रहे हैं कि आप NCERT कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करो और एग्जाम्पलर कंप्लीट करो। अगर आप ये तीन भी कंप्लीट करते हैं तो आप आराम से 100 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। 100 मार्क्स लाने के लिए तीन बुक काफ़ी है। बट RD शर्मा अगर आप पढ़ते हैं तो आप फिर एग्जाम्पलर नहीं पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे RD शर्मा में एग्जाम्पलर का बहुत सारा क्वेश्चन होता है। बट अगर आप RS अग्रवाल पढ़ते हैं तो आप इसका क्वेश्चन थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पलर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पलर को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बट RS अग्रवाल में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप जनरली दो ही बुक रखें, NCERT प्लस ये, NCERT प्लस एग्जाम्पलर और NCERT प्लस RS अग्रवाल, तीन में से एक कम्बिनेशन कोई भी आप रखें। उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो आप स्विच कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। तो चलिए, बुक आपको पता चल गया कि एक्स्ट्रा बुक कौन सा फॉलो करना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी मीन्स हम वही चीज़ फिर से बोल रहे हैं कि आप एक दिन 1 आवर का सपोज आपने टाइम टेबल बनाया है, तो एक दिन 1 आवर किए, फिर 4 दिन गैप छोड़ दिए, फिर आपने 1 आवर पढ़े, किसी दिन 2 आवर पढ़ लिए, फिर गैप चल रहा है, फिर एक दिन 5 आवर पढ़ लिए, फिर गैप चल रहा है, वैसे नहीं होता है। आप रेगुलर रहो, आप किसी दिन 1 आवर पढ़े, किसी दिन 1.5 आवर, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी किसी दिन आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप अब घर में ही प्रेजेंट नहीं तो कैसे पढ़ेंगे, तो उस सिचुएशन में तो आपका छूट ही जाएगा, ठीक है। उस सिचुएशन में आप छूटे, लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप नहीं छोड़े, रेगुलर ही पढ़ते रहें, ये सबसे बेस्ट वे है। और लास्ट पॉइंट है स्कूल मार्क्स। स्कूल मार्क्स क्या है, देखिए स्कूल मार्क्स में क्या होता है कि आपको 100 मार्क्स में आपका 20 मार्क्स तो स्कूल देता है, 80 मार्क्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके ला सकते हैं। तो अगर आप ये 20 में 20 अगर लेकर के नहीं आओगे, यहाँ पे आपने 80 आउट ऑफ 80 ले आया और यहाँ पे आपने 20 ऑफ 20 नहीं लाया, तो आप 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला पाओगे। तो मेरा कहना है कि आपका जो भी स्कूल में जो भी चीज़ें होगा, आपका जो जैसे भी ये 20 मार्क्स मिलता है, उस हर एक में अपना बेस्ट दे करके आए, तभी वहाँ से आपका 20 आउट ऑफ 20 आएगा। नहीं तो वहाँ पे सपोज आपका 18 मार्क्स आ गया और यहाँ पे आपने पूरा 80 मार्क्स लेकर के आए, तो आपका 90-80 मार्क्स होगा। आप चाह रहे हैं 100, तो 100 में एक भी मिस्टेक नहीं चलेगा ना, आपको हर एक जगह पे क्या होना होगा, परफेक्ट होना होगा। तो ये था टोटल 10 पॉइंट। अब हम लोग बोनस पॉइंट का बात करते हैं। बोनस पॉइंट में ये है कि जो भी स्टूडेंट 2022 में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए मैथ का स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री में आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। और इसमें आपको पूरे इजी वे में और फुल एक्सप्लेन वे में आपको सारी चीज़ें करवाया जाएगा। तो आप मैथ्स का टेंशन यहाँ से ना लें, और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाने में आपको थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ सकता है। 15 अप्रैल को आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो वहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो आई होप ये सारा चीज़ें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 24 आवर ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।